मॉर्निंग सब लोग सर, आ गए। गुड गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग बाबू। जी का तलाक इसी बात पे हो रहा है कि वही सर। टुडे व्हाट सरकार वी विल डू, होमवर्क कंप्लीट तुम लोग किए हो अब? सभी सर लोग मैं होमवर्क कंप्लीट, होमवर्क तो कंप्लीट आप लोग नहीं करते हो? सर आपने मेरा होमवर्क ना बस देखा लेकिन चेक करके नहीं भेजा। ब्लू टिक लग चुका है, बेसिक आपने देखा लेकिन चेक नहीं किया। होमवर्क कब सर भेजे हो बाबू? मैं तो बिजी थी मंडे को। संडे को यस उसके पहले जो भी होमवर्क भेजा हुआ है सब तो चेक है। नो सर, पर्सनल बिना नंबर चेक पे किए। भेजे, यस सर, ग्रुप में पर्सनल भेजे, नंबर पर्सनल पे, पर्सनल नंबर नंबर पे। पर भेजे हो? ये बोलो कि ग्रुप वाला सारा तो चेक हो गया, पर्सनल नंबर बाहर का बात है तो क्यों पर्सनल नंबर का बात है तो पर्सनल नंबर देखना पड़ेगा ना कौन सा नंबर अभी से आया है। बनाया 9124 65 यही है क्या? मनीषा साहू बोल रहे हो? मनीषा सब्जियां साहू नहीं, काव्या का तो कॉपी चेक किए हैं हम आज, ग्रुप में भी आया हुआ था। सब्जियां सब्जियां सभ्या 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 चौहान, सर, ये सभ्या कौन है? बेसिक कोई इंग्लिश सर दोनों। सभ्या सभ्या नाम कहाँ लिखी हो तुम यहाँ पर? खाना नहीं बना सर, मैं लिख के भेजी हूँ। कितना कॉपी में नाम लिखा हुआ है? होता तो नहीं बना, क्यों नहीं बनाऊंगी? ठीक है, मत बोलिएगा, हम बनाएंगे। इतना भी मैं देख रहा हूँ, बनाएगा तो मत बोलिए, पड़ेगा नहीं बना। स्वराज कहाँ, किसी का कॉपी है? जो भी बाकी चेक है ग्रुप में भेजा करना। ये जो होमवर्क, यदि पार्टिकुलर यदि होमवर्क कुछ अलग से देंगे जिसमें कि आंसर लोग एक दूसरे का देख सकते हैं, वैसे होमवर्क को हम बताएंगे कि ग्रुप में नहीं भेजना है, ठीक है? वैसे होमवर्क में कॉपी में, कॉपी के लास्ट में अपना नाम जरूर लिखेंगे, तभी तो हम बताएंगे ना कि किसका कॉपी है, तो नाम उस पर लिखा हुआ रहना चाहिए तभी वो कॉपी। नहीं हाँ तो उसमें अभी तो फिलहाल पिछला क्लास में हम बोले थे कि ग्रुप में ही भेजो, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं, ओके लेट्स स्टार्ट। हम लोग कहाँ पर थे बाबू? सर, लेटर, टॉपिक, मतलब अल्फाबेट। साउंड पे हम लास्ट पर साउंड पे हुआ था, वोवेल और साउंड पर हम लोग कॉन्सोनेंट आकर, का साउंड। साउंड पर आके हम लोग रुक गए थे, है ना? सर हम तो लोग साउंड लेटर पर आ, साउंड पे थे। हाँ साउंड पे आके हम लोग रुक गए थे, सही, करेक्ट, साउंड साउंड पे आके रुक पर आके रुक गए थे, सही है, ठीक है, साउंड पर रुक गया था। सर। तो बताया भी गया था कि सुरभि ना वीडियो ऑन कीजिए, है कार्स वीडियो ऑन करो। कि कैप कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट और वॉवेल बताया गया था, है ना, अल्फाबेट में। तो उसमें बताया था कि सर वॉवेल कॉन्सोनेंट अलग होता है और इसमें, है ना, मुझे सेमी वोवल नहीं समझ में सेमी वोवेल समझ में आ जाएगा, आज का क्लास में वही डिस्कशन होगा, वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो देखेंगे हम लोग साउंड के बारे में। रही है। नहीं सर, स्टार्ट सर, मैं बोल हल्ला कर रहे हो बाबू? कौन हल्ला कर रहे हो? तुम आते आज का क्लास पिछला, तो कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, उस क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना? तो क्वेश्चन जो दिए गए हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन का आंसर सब लोग देख, जब हम देने के लिए कहा कि क्वेश्चन का आंसर देना है ना, तो आंसर लोग शॉर्ट में आंसर देके निकल रहे हैं। आंसर देने का मतलब है कि आपको लैंग्वेज जब बताया जा रहा है तो पूरे लैंग्वेज में आंसर देना होगा, ठीक है? पूरे लैंग्वेज में आंसर देना होगा। हम चलते हैं आज, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन को जो आंसर है उस आंसर की ओर चलेंगे। इस क्वेश्चन क्या दिया हुआ था?
हाउ मेनी, हाउ मेनी बेसिक इंग्लिश है ना, कितने क्वेश्चंस दिए हुए थे अब? सर? फोर क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, हाँ देखेंगे बाबू, सभी लोग सॉल्यूशन देखेंगे, आप लोग सॉल्यूशन देने के लिए, तो बेसिक इंग्लिश क्लास में सॉल्यूशन जो है, तो पहले सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे बाबू कि आप लोग आंसर कैसे दिए थे और उसको सही इन द प्रॉपर वे। यस यू हैव टू, यू हैव टू राइट अलोंग विद मी व्हेन आई राइट ऑन द बोर्ड, एंड सॉल्यूशन है ना? द आंसर होमवर्क सॉल्यूशन आई राइट है, आई डो सॉल्यूशन, होमवर्क सॉल्यूशन, एंड यू विल नॉट सी, यू विल नोटिस दैट, सर यू विल नोटिस दैट कि यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चंस प्रॉपरली, एंड यू फोकस एंड वॉच वैदिक कुछ हाउ टू लिखा है आंसर, 18 अटेम्प्ट हाउ टू आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सर, फर्स्ट, म्यूट ऑल वी हैव स्टूडेंट्स, टू राइट म्यूट। द सॉल्यूशन। यस यू हैव टू राइट, यू ऑल द स्टूडेंट्स राइट द सोल्यूशन आंसर इन द 31 लॉन्ग आर आंसर, 82 टू द 36 एंड लाइक 3 म्यूट ऑल द स्टूडेंट्स फर्स्ट म्यूट। जा 36 83 जा 85 जा हाउ 16 मेनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, यू हैव टू राइट इन दिस वे, देयर आर हाउ मेनी देन 26 लेटर्स, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट। हमने अल्फाबेट के बारे में बताया था कि देख सकते हैं कि अल्फाबेट सभी लैंग्वेज में होते हैं, कोई भी लैंग्वेज हम लेंगे तो उसमें अल्फाबेट होते हैं, है ना, जिसे वर्णमाला कहते हैं, और छोटा सा इंक्वायर है जो लेटर है जिसको अक्षर या वर्ण कहते हैं, तो कोई भी लैंग्वेज उठाएंगे तो उसमें हमारा है ना लेटर्स मिलेगा ही, सबका अलग अलग नंबर है, जैसे इंग्लिश में बात करें तो 26 है, और इसी को हम कॉन्सोनेंट वॉवल में बांटे थे। अगर कहता हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स इन अल्फाबेट, वेरी गुड क्वेश्चन। नंबर टू, यू हैव टू राइट कि देन देयर आर फाइव वॉवल्स एंड देयर आर फाइव वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स कॉन्सोनेंट्स। इन दिस वे यू हैव टू राइट आंसर ऑलवेज, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स इन अल्फाबेट, देयर आर फाइव वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स इन अल्फाबेट, इन द अल्फाबेट। नेक्स्ट नंबर थर्ड, हाउ मेनी सेमी वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, यू हैव टू राइट देयर आर ओनली टू सेमी वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, या इन द हर्षदेव अल्फाबेट बाबू उठ के डायरेक्टली बैठिए लिखेंगे, जी। हर्षदेव, ए हर्षदेव इन द बाबू, अल्फाबेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज दिस, अल्फाबेट इज रिटन इन टू वेज, नेम एंड राइट देम। अल्फाबेट दो तरीके से लिखे जाते हैं, उसका नाम लिखना है और वो सभी को लिखना है, तो आपको लिखना क्या था कि अल्फाबेट टू वेज कौन कौन सा है, कैपिटल लेटर एंड अ स्मॉल लेटर, द यूज ऑफ कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर इज ऑल्सो अ टॉपिक इन अ पंक्चुएशन, लेट कैपिटल लेटर एंड अ स्मॉल लेटर। वेन एवर यू राइट अ सेंटेंस, इन द सेंटेंस द बोथ आर नेसेसरी, यू हैव टू वॉच कैपिटल प्लीज लेटर कैपिटल लेटर एंड अ स्मॉल लेटर, द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड अ स्मॉल लेटर मेक्स द सेंटेंस परफेक्ट। देन फोर नंबर फाइव, चार क्वेश्चन था दिया हुआ कि फाइव क्वेश्चन था, चार फोर क्वेश्चन ही थे, चलिए ठीक, सर फोर ही क्वेश्चन था, फोर क्वेश्चन कंप्लीटेड। तो आपको यहाँ कहना है
लेटर सेमी वॉवल पंसिएट लाइक द कॉन्सोनेंट एंड वॉवल साउंड, बताया हुआ था सेमी वॉवल के बारे में, ठीक है। पर मैं कुछ है नहीं, अब कैपिटल लेटर यहाँ पर उसका नेम दें, तो यहाँ पर आपको लिखना था ए बी सी डी ई एफ, इस प्रकार से जेड तक। और स्मॉल लेटर कैसे लिखते हैं, तो ए बी सी डी ई एफ, इस प्रकार से जेड तक, ठीक। कंप्लीटेड है बाबू, सबने लिख लिया? सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, 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 चाहिए हाँ रुके हुए हैं वो, रुके हुए हैं वो। आकर्ष बाबू वीडियो ऑन कीजिए जी। आकर्ष बहुत पिटेंगे तो लेट से आते बाबू। आकर्ष बाबू वीडियो ऑन कीजिए। अथर बाबू वीडियो ऑन कीजिए। रब्या द्विवेदी जी वीडियो ऑन कीजिए। आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क ओके okay. सर, मी टू। सर आपने इससे पहले कुछ लिखवाया था? इसके पहले कुछ नहीं नहीं, ये होमवर्क सॉल्यूशन से स्टार्ट हो रहा हो। डन सर। डन, यस सर। डन लेट मी रेज। सर। नो सर, वेट सर, वेट प्लीज। आई हैव डन। ओके बाबू डन। अल्फाबेट, अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। सर लिखे सर, इसे यस, लिखना है। सर लिखे अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और इन सभी 26 लेटर्स का साउंड होता है। यस बाबू, सबको लिखना है। तो कहेंगे क्या कि देयर आर 44 साउंड, देयर आर 44 साउंड, यानी कि 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। इन 26 लेटर्स से 44 साउंड्स निकलते हैं। 44 साउंड्स इन इंग्लिश, इन इंग्लिश। देखिए बात यह है कि साउंड चेंज होता है कैसे, जैसे हम छोटा सा ए भी लिखते हैं एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर हमने ए लिखा तो ए को हम यहाँ ए भी पढ़ते हैं ए, और इसे हम अ भी पढ़ते हैं, यानी एक ही लेटर है और एक ही लेटर का साउंड हमारा दो है, ठीक है। इसी प्रकार सी एच लिखते हैं तो सी एच से क भी होता है और सी एच से च भी होता है। फॉर एग्जाम्पल जब वर्ड्स में हम आएंगे तो वहां पर बताएंगे कि जैसे यहाँ पर वर्ड्स में आ रहे हैं तो सी एच ई एम आई एस टी आर वाई, यहाँ हो गया आ सी एच यू आर सी एच, यस चर्च। अब ये दोनों को देखना है, ये दोनों को देखना है, और भी वर्ड्स देख सकते हैं। तो कैसे साउंड ज्यादा होता है, 26 लेटर्स मेक्स 44 साउंड्स। हम कह सकते हैं कि द 26 लेटर्स, द 26 लेटर्स मेक 44 साउंड्स
44 साउंड्स इन वर्ड्स। सर तो फैक्ट्री 26 लेटर, वाला 26 लेटर्स 44 साउंड्स बनाते हैं। अब एक ही लेटर का अलग अलग, जैसे यहाँ पर एम लिख रहे हैं, एम ओ एन ए आर सी एच, एम ओ एन ए आर सी एच, ठीक है, यहाँ भी सी एच आ रहा है, यहाँ भी सी एच है, और यहाँ भी सी एच है, और यहाँ भी सी एच है। यहाँ सी एच का मतलब क्या हो गया? क। अब यदि आगे बढ़ेंगे तो केमिस्ट्री, यहाँ सी एच का मतलब क, और यहाँ सी एच का मतलब जो हो रहा है ये है च, चर्च, और लास्ट में भी क्या हो रहा है? च। यहाँ मोनार्क का क्या हो रहा है? सी एच फॉर क। सिमिलरली अस्टमक भी देखेंगे तो वैसे ही है, एस टी ओ एम ए सी एच अस्टमक, और यहाँ पर भी सी एच का उच्चारण क हो रहा है। तो जो साउंड है, लेटर्स के जो साउंड्स होते हैं वो बदल जाते हैं, तो लेटर्स के साउंड्स बदल जाते हैं, जिस कारण से हमें इन 26 लेटर्स से जो प्रोड्यूस किया हुआ वाइब्रेशन है, तो वाइब्रेशन साउंड 44 होता है। इसलिए हम साउंड के बारे में यदि पढ़ेंगे, साउंड को हम इंग्लिश में बोलते हैं, साउंड को हम इंग्लिश में बोलते हैं फोनेटिक साउंड, ठीक है, फोनेटिक, फोनेटिक साउंड इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं फोनेटिक साउंड। फोनेटिक साउंड का मतलब जब जैसे हम जैसे बोल बोल कर लिखते हैं, है ना, उच्चारण करते हैं, ए डबल ए पी पी एल ई एप्पल, इस प्रकार से इसको फोनेटिक साउंड बोलते हैं, ठीक है। डन सर। डन डन सर। यस सर। नो सर। सर सर नहीं हुआ। यस सर, इरेज कर दीजिए। नहीं हुआ। फोनेटिक साउंड, फोनिक साउंड, इसी प्रकार हम समझ गए कि इसे फोनेटिक साउंड कहते हैं। और फोनेटिक साउंड में यदि बात करें तो इसमें भी आपको दो प्रकार के साउंड निकलते हैं। एक निकलता है कॉन्सोनेंट साउंड, जैसा कि हम अल्फाबेट में सिर्फ पढ़े हैं कॉन्सोनेंट एंड वोवेल, वो अलग चीज है, वो लेटर्स है। लेटर्स जो क्रिएट करते हैं, जो प्रोड्यूस, 26 लेटर्स मेक या प्रोड्यूस या क्रिएट, ठीक है, 44 साउंड्स। तो इंग्लिश ग्रामर में साउंड्स कितने हैं? तो फोनेटिक साउंड्स 44 हैं, यहाँ पर फोनिक की बोला जाता है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड, यदि साउंड कॉन्सोनेंट का है, अभी हम बताएंगे कॉन्सोनेंट साउंड कैसे होगा, और वोवेल साउंड, वोवेल साउंड, इसके पहले हम क्या पढ़े हैं, कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट में लेटर और वोवेल्स में लेटर्स। अब ध्यान दें, यहाँ कॉन्सोनेंट में लेटर्स कितने होते हैं? 21। वोवेल्स में लेटर्स कितने होते हैं? 5। वोवेल्स में लेटर 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21, जैसा कि इसके पहले पढ़े हैं। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, इसी में साउंड जो क्रिएट होता है, जो लेटर से साउंड निकलते हैं, उस लेटर्स के साउंड को फोनेटिक साउंड कहा जाता है ना। द 26 लेटर मेक 44 साउंड्स, इट इज कॉल्ड फोनेटिक साउंड। एंड दे आर टू टाइप्स, कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यंजन स्वर, व्यंजन ध्वनि, व्यंजन, व्यंजन ध्वनि, और द सेकेंड वन स्वर ध्वनि। तो हम हिंदी में भी पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण, लेकिन इंग्लिश में इसे थोड़ा अलग से ध्वनि पर ध्यान देना होता है, तभी खासकर आर्टिकल के यूज में इस पर ज्यादा उपयोग में आता है। हम कुछ वर्ड्स लिखेंगे बाबू, यहाँ पर हेयर सम वर्ड्स, हेयर आर सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स यहाँ लिखा हुआ है, हाँ सब लिखना है बाबू, जितना लिख रहे हैं सब लिखना। यस बाबू, आपने लिख लिया, आई थिंक यस सर लिख लिया। यू ऑल हैव लिसनड ऑन, हेयर आर सम वर्ड्स, जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं बाबू, एच ओ एन ई आर टी, ऑनेस्ट, फिर लिखते हैं एच ओ यू आर आर, यूनिवर्सिटी, और लिखते हैं अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला, उसके बाद लिखते हैं बाबू एच ई आई आर, पहले भी पढ़ाए होंगे, ठीक है, उसके बाद लिखते हैं बाबू U N I Q E, यूनिक,
लिखते हैं बाबू, EUROPE, यूरोप। ठीक है, इतना सारे वर्ड्स हम लिखे हैं और इसमें आपको फोनेटिक साउंड हम पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ देखिए कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी ये कॉन्सोनेंट है, यहाँ यू वॉवेल है, यहाँ यू वॉवेल है, एच कॉन्सोनेंट, फिर यू वॉवेल, फिर ई वॉवेल, फिर क्या है, ई वॉवेल। ठीक है, तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट फर्स्ट राउंड। तो सर हम यहाँ, हाँ यहाँ पर क्या ध्यान देंगे कि हमारा फर्स्ट फर्स्ट साउंड क्या है, फर्स्ट साउंड क्या है, तो फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है, उस पर ध्यान देंगे। तो वर्ड्स का, व्हाट इज द फर्स्ट साउंड ऑफ वर्ड, द फर्स्ट साउंड ऑफ ऑफ वर्ड। ठीक है, तो वर्ड्स का पहला साउंड क्या है ये देखेंगे। अब यहाँ जैसे लिखते हैं एप्पल, हमने यहाँ लिखा एप्पल। ठीक है, यहाँ ए आ रहा है सबसे पहले एप्पल में। ठीक है, तो लेटर्स को हम जानते हैं कि कॉन्सोनेंट ऑफ वॉवेल क्या है, लेकिन साउंड को पहचानना है। तो यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है ओनेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर एच से दिया हुआ है, लेकिन एच यहाँ पर क्या होता है, साइलेंट होता है, और इसका उच्चारण होता है यहाँ पर से ऑनेस्ट, ऑ नेस्ट, तो ऑनेस्ट उच्चारण होता है। तो यहाँ पर है कॉन्सोनेंट, एच है कॉन्सोनेंट, लेकिन इसका साउंड जो निकल रहा है वो वॉवेल से निकल रहा है, तो ये यहाँ पर ये वॉवेल साउंड हुआ, यहाँ पर ये वॉवेल साउंड हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है एच, एच से पढ़ेंगे तो हावर हो जाएगा, लेकिन ये पढ़ा जाता है आर, आर, यहाँ भी वॉवेल साउंड निकल रहा है, ये है कॉन्सोनेंट लेकिन साउंड वॉवेल, तो वॉवेल साउंड है, तो वॉवेल साउंड को लेकर चला जाता है कि यहाँ पर फोनेटिक साउंड के अकॉर्डिंग उसका प्रोनंसिएशन किया जाता है, ना कि लेटर के अनुसार। अब यहाँ है यू, यू है हमारा वॉवेल है, लेकिन यहाँ जब हम इसे सर उच्चारण यहाँ करेंगे, दिख रहा है सर, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ब्लर दिख रहा है। नो सर नहीं दिख रहा है, क्लियर दिख यूनिवर्सिटी। रहा ठीक है। नो है, सर यहाँ दिख रहा है यूनिवर्सिटी, हाँ ठीक है बाबू, समझ रहे हैं, एकदम क्लियर है। यूनिवर्सिटी, यस सर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी है वो। तो ये जो यू है, यू वॉवेल होते हुए भी यदि इसका हम उच्चारण में जाएं, तो फर्स्ट साउंड हमारा यहाँ है य, और या आप जानते हो स्वर है या व्यंजन, तो यह हमारा व्यंजन है, तो यहाँ पर ये व्यंजन वर्ण से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ देखो यू का मतलब क्या है, ये यू का मतलब क्या है, यहाँ देखना, इसको बोलते हैं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो ये है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला है, तो यहाँ यू का मतलब क्या हो रहा, अ, अ हो रहा है, यानी सर, स्वर। HEIR का मतलब अभी हमने वहां पहुंचा, हम मैं वहां पहुंचा हूं अभी क्या, नहीं ना, अभी देखो अभी समझा रहे हैं, यहाँ यू का मतलब यूनिवर्सिटी, तो य से हो रहा है, यहाँ यू का मतलब अम्ब्रेला, तो एक एक ही लेटर्स है, एक ही लेटर्स है, यदि हम कह सकते हैं कि यू एक लेटर्स है जिसका मतलब अ भी आ रहा है और यू भी आ रहा है, या भी आ रहा है, तो अम्ब्रेला भी हो रहा है और यू या से भी हो रहा है, यानी स्वर और व्यंजन दोनों उसका साउंड निकल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यू से अम्ब्रेला भी हो रहा है, तो ये वॉवेल साउंड, और यू से यूनिवर्सिटी भी हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड। अब यहाँ यह एच ई आई आर है, इसको पढ़ते हैं एयर, एयर, इसको पढ़ते हैं एयर, ए आ रहा, एयर, एयर, यारा, एयर। ठीक सर है, या एयर पढ़ते हैं, तो एयर का मतलब यहाँ पर, एयर सर का मतलब ध्यान देना, एयर का मतलब क्या होता है ये बता देते हैं, उत्तराधिकारी होता है, जो राजा के वंशज होते हैं या कोई भी इंसान जिसका जो उत्तराधिकारी होगा आगामी, जो पेरेंट्स से आपको मिलता है, तो पेरेंट्स नहीं है तो उसके बाद जो उसका अधिकारी, जो उसका अधिकार किसका होता है, उसके बच्चे का होता है, तो वही उत्तराधिकारी कहलाता है। तो उसी प्रकार हम, हाँ, तो उसी प्रकार हम यहाँ पर क्या देखेंगे, एच है कॉन्सोनेंट लेकिन उच्चारण हमारा वॉवेल साउंड से हो रहा है, ए, और ए हमारा वॉवेल साउंड है। यहाँ पर देखिए यूनिक, यहाँ य दे रहा है, यू, यू दे रहा है जो कि वॉवेल है, लेकिन उच्चारण क्या हो रहा है, वो हो रहा है, यहाँ पर ये यूनिक हो गया, तो यू यानी व्यंजन साउंड से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर देखो ई लिया, वॉवेल दिया हुआ है, अब ई यहाँ पर स्टार्ट करें, यू आर ओ पी, तो यहाँ पर ये कहलाता है यूरोप, ये कहलाता है यूरोप, और यूरोप यहाँ भी ये या व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है। एप्पल का बात करें, तो एप्पल हम लोग जानते हैं कि एप्पल में पहला अक्षर अच्छा ए है, और ए का उच्चारण ए ही हो रहा है, तो ये वॉवेल है, साउंड भी वॉवेल और लेटर भी वॉवेल। इस प्रकार से साउंड हमारा लेटर से ज्यादा होता है, क्योंकि उसका, उनका प्रोनंसिएशन, सर
अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग तरह से होता है, जैसा कि आपको बताया गया है, और इस तरह के साउंड्स जो निकलते हैं उसे फोनेटिक साउंड्स कहते हैं। क्लियर? सर मिटा दें मुझे बाबू। प्रॉब्लम है। यस सर नोट सर थोड़ा सा साइड हो जाइए बस एक बार स्क्रीन सर ठीक ठीक यस ठीक सर सर एक बार साइड हो जाता हूँ। दीजिए पूरा। सर इरेजिएट एंड राइट सर आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क ऑन टाइम ओके सर प्लीज डन सर आई सर। हैव आल्सो डन ऑलरेडी डन सर आई हैव आल्सो या डन। आकाश ओके मिटा बाबू दे वीडियो ऑन बाबू। करो। आराध्या पटेल वीडियो ऑन कीजिए। आकाश ऑन कर बाबू, बंद करके खाली। सन्विका बोली वीडियो ऑन कीजिए। अब दो वर्ड हम आपके लिए दे रहे हैं अब, और आपको बताना है कि इसमें कौन सा साउंड क्रिएट होगा। दो वर्ड्स आपके लिए दे रहे हैं अब, ये दो वर्ड्स आपको करना है, इसमें साउंड बताना है कि किस टाइप का साउंड है। ठीक है? थोड़ा सा साइड होइएगा क्या लिखे हैं बता, आप नहीं दिख रहा है, मिटा दे बाबू, फिर से सर? लिखे। मिटा दीजिए उसको, थोड़ा और बड़ा करके अच्छे से लिख दीजिए ना। ठीक है, यस सर। सबका प्रोनंसिएशन लिखना है वो बगल में, जैसे हमने बताया है लिखने के लिए एरो दे करके। हाँ जैसे फर्स्ट वाला मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना कि वॉवेल साउंड ऐसे कॉन्सोनेंट साउंड। अंडरलाइन करना और बताना है, ठीक है, कि उसका साउंड कौन सा निकल रहा है। फर्स्ट ठीक साउंड, है सर। द फर्स्ट साउंड ऑफ वर्ड, यहाँ पर चैप्टर है, द फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड। कहाँ रहते हो, कान में क्या डाले रहते हो, आवाज नहीं जाता है? हाँ, क्लास में रहते हो या नहीं रहते हो, क्या क्या करना है? कोई वीडियो गैप रखेगा, कोई कान में एयरफोन नहीं लगाएगा, क्या करना है? बाद में सूत के उठती है जैसे। ठीक सबका फर्स्ट साउंड बताना है, यहाँ देखो लिखा हुआ ब्लू कलर से, की है ना, द फर्स्ट साउंड ऑफ वर्ड। द फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड बताओ कि फर्स्ट साउंड क्या होता है। सर जिसका हम जो साइलेंट लेटर थे उसको हमें अंडरलाइन करना है। सर हाँ, साइलेंट को अंडरलाइन, अंडरलाइन हमने किया हुआ है ना, बताना ना उतना ही उतना ही। PN, PS, PS और यहाँ TS। फर्स्ट वाला क्या लिखे हैं आप? उसको मतलब स्पेलिंग क्या पढ़ेंगे सर उसको? हाँ, फर्स्ट वाला PNEUMONIA, क्या सर पढ़ेंगे इसको उसको? पढ़ेंगे क्या? यू अब पढ़ने आता है ना, बताओ ना, तो वही तो हम दे रहे हैं पढ़ने के लिए ना, तो आपको नीमोनिया बताना है ना। अब पी कहाँ गया, हवा में? नीमोनिया तो पी साइलेंट होगा। तो पी को हटा दीजिए, नीमोनिया हो जाएगा। पी को हटाया नहीं जाता, वो पी यहाँ साइलेंट होता है, साइलेंट वर्ड को हम सर्किल कर देंगे, इसे साइलेंट लेटर है ये, इसको साइलेंट लेटर बोलते हैं, जिसका उच्चारण नहीं करते हुए। कौन यहाँ भी सर साइलेंट टी है। साइलेंट है सेकंड में भी और थर्ड में भी टी साइलेंट है। साइलेंट हाँ, यहाँ यस एस साइलेंट है, ठीक है, तो आप उच्चारण सर करोगे। हाँ, जब हाँ, तो अब आपको यहाँ से निकलेगा निमोनिया, तो यहाँ नी हो गया, ठीक है, सकता है निमोनिया हो गया,
सेकंड में है ना। साइकोलॉजी, अब यहाँ पर एस वाई है, साइकोलॉजी, यहाँ पर हम, यहाँ पर साइको, साइकोलॉजी, ठीक है। यहाँ देखो टी को साइलेंट करो तो क्या आ जाएगा, सुनामी। का मतलब क्या होता अब देखो एक्स वाई, एक्स एक्स से क्या होता है, एक्समस बोलते हैं ना, एक्समस ट्री। यहाँ एक्स वाई से होता है ज, जाइलो। यहाँ एक्स वाई से ज, यहाँ देखो एस साइलेंट हो गया, एस साइलेंट हो गया तो सी से, देखो सी से स, सीजर्स, सीजर्स, सीजर, सीजर। सीजर्स। यार आपने सबका फोन उच्चारण वाला देखिए, सबका गाना अलग लिखा अलग रहता है, उच्चारण होता है। कहीं फोन नहीं लिखा आपने। लिख लिया अबू? सबने लिख लिया? जैसे ऑनेस्ट का देखो ना, हमने लिखाया था ना, एच ओ यस सर एन ई लिख एस टी। हाँ लिया। ऑनेस्ट लिखाया था ना, तो एच क्या होता है, यहाँ साइलेंट होता है। और यहाँ पर देखो हम लिखाया था ऑनेस्ट, ऑ से शुरू हो जाता है जो कि वोवेल साउंड है। उसी प्रकार आपको बताना है वो, ये भी एक वर्ड आ गया। लो थर्ड साइड प्लीज। यस, सर वो आप ऑनरेबल लिखे हैं। ऑनरेबल, ऑनरेबल पर्सन। सर उन्हें साइलेंट वर्ड्स करके लिखे क्या? क्या भैया इधर आना, इधर तू ले आओ, कुछ वो इसको पूछना है हटाएंगे करके। अब मिट। हाँ नो पूछो। सर इरेज कर यू दी। सर आपने कंप्लीटेड माय वर्क। सर ऐसे हैव कंप्लीट, यस सर इरेज। सर आई हैव ओके कंप्लीटेड माय वर्क। सर आप इवेंट में जा रही है, इसमें ओके। तो सर डन सर, डन सर। भाई विदर सीजर लिख रही हूँ भाई। जी 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 भाई सर हो हो गया वो, क्लियर गया। नो सर है वर्ड्स, साउंड क्लियर हुआ ना? कितने था? बता दो बाबू, अब जो क्लास हो गया अब हम पूछते हैं, तो इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं वो? हाँ, अब हाँ सब लोग बोलने के लिए फ्री हैं, आप बोल सकते हैं। 26, ओके राइट। तो 26 लेटर्स होते हैं। तो अब बताइए वो कि इंग्लिश में फोनिक्स, फोनिक्स या फोनेटिक्स साउंड्स कितने होते हैं? 44। यदि हाँ, यदि हम फोनिक्स का डेफिनेशन लिखने के लिए कहेंगे बाबू, फोनिक्स का, फोर फोनिक्स क्या होता है, तो फोनिक्स को आपको लिखना होगा क्या, कि द रिलेशनशिप बिटवीन, द रिलेशनशिप बिटवीन लेटर्स एंड साउंड, द रिलेशनशिप बिटवीन लेटर्स एंड साउंड, टू लेटर्स एंड साउंड इन अ वर्ड, द रिलेशन बिटवीन लेटर्स एंड साउंड इन अ वर्ड इज कॉल्ड फोनेटिक्स या फोनिक्स। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। हाँ, तो लेटर का और साउंड का जो कॉम्बिनेशन है, जो ध्वनि का निकलना है, लेटर्स तो 26 ही होते हैं। आप सबका यदि दो दो नाम रखेंगे तो ज्यादा होगा ना, तो सबका तो नहीं होता है, लेकिन इस प्रकार से साउंड को हम क्रिएट करते हैं और वर्ड्स का प्रोनंसिएशन, करेक्ट प्रोनंसिएशन करते हैं। सर हम हाँ दो दो नाम है सबका। ओके चलिए, क्लियर हो गया ना, सब लोग लिख लिए ना अब? सबका ये फोनेटिक साउंड का प्रयोग, ये नाम फोनेटिक, लिसन टू मी, ये फोनेटिक साउंड का प्रयोग बाबू आर्टिकल में जबरदस्त होता है, इसलिए आर्टिकल में लेटर्स नहीं बल्कि, सर। हाँ फोनेटिक साउंड्स के अकॉर्डिंग हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसलिए इस चैप्टर को इजी वे में नहीं लेना है, इसका फेयर करना है, इसका फेयर भेजना है बनाकर, सबको, सभी लोग फेयर बनाकर इसका भेजेंगे। इज दैट क्लियर? ओके सर क्लियर वो साइड तो प्लीज। है ना, वो साइड में ही तो ओके सर स्पीकर यार है। सर।
मिटा दें बाबू। यस सर। सर इज इट सर कब कहोगे टाइम बाबू? सर DIY टाइम हाँ डी सर डी इट्स DIY अ टाइम DIY, सर इट्स जाए DIY क्या टाइम। खेती वाला सर ने पहले लिखवाया था मिटाना नहीं तो क्या हुआ सर आगे होमवर्क आगे बढ़े बाबू, आगे बढ़े, मिटाए आगे। में पेयर बना यस दिया सर मिटा दीजिए ये सब वर्ड्स सीख रहे हो बाबू, एकदम टिपिकल वर्ड्स, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स सीख रहे हो। सर DIY टाइम हाँ इट्स DIY टाइम आपने कभी पढ़ा है? अच्छा सर लेटर्स पढ़े हो, साउंड पढ़े थे, फोनेटिक साउंड्स? यस सर बच्चे में तो फोनेटिक साउंड्स पर ओ बच्चे में पढ़े थे और अभी बूढ़े हो गए हो। अब हम लोग ध्यान देंगे, साइलेंट, सब लोग अपना म्यूट कर ले 2 मिनट के लिए, अब जो समझा रहे हैं उसको समझेंगे। ओके लेटर्स का प्रयोग, द यूज ऑफ लेटर्स इज ओनली टू मेक CW है वो भी। लेट अरे साइलेंट रहो, म्यूट 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 ओनली। सर लिखना है क्या नो नॉट नाउ। नो लेटर्स, लेटर्स का प्रयोग, यूज ऑफ लेटर्स टू मेक वर्ड्स, वर्ड्स बनाने के लिए होता है। यदि लेटर्स का प्रयोग हम वर्ड्स बनाने के लिए करते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि लेटर्स, लेटर्स आर यूज्ड टू मेक वर्ड्स, वर्ड्स बनाने के लिए लेटर्स का प्रयोग क्या आता है? तो वर्ड्स बनाने के लिए ही सीखते हैं, लिखे। हाँ अभी यहाँ DIY तुम्हारा सही शुरू हो रहा है, लिखना स्टार्ट करो ना। स्टार्ट टू राइट एवरी वर्ड, फ्रेम द लेटर्स, आपका नेटवर्क इशू है फ्रेम द लेटर्स एंड मेक अ वर्ड, एंड मेक फ्रेम द जंबल लेटर्स। सर साइड प्लीज सर इसे ग्रुप में भेजना है या इसे पर्सनल नंबर पर भेजना है फेयर जो बोले बाबू, फेयर आप ग्रुप में भेजोगे, जो हम पढ़ाते हैं फेयर और ग्रुप में भेजोगे। DIY DIY ये जाएगा, ये आपका पर्सनल नंबर पर जाएगा, ठीक है? ये सबका क्योंकि सब देख देख के बना लेगा ना फिर, ठीक है? ये प्रश्न अपना नाम लिख फिर करके आराम। सर पर्सनल नंबर आपका कौन सा तो फिर है आप चेक तो करोगे ना अगर आपके ये पर्सनल नंबर पे सेंड करेंगे तो और हाँ तो सेम डेट में भेज देना, सेम डेट में। कोड वाला है सर चलिए लिखिएगा, ठीक है? वर्ड्स लिख रहे हैं, तो पहला फर्स्ट नंबर बताना होगा कि ये कौन सा वर्ड है जिसको हम जंबल वर्ड्स कहते हैं, व्हाइट और इससे आप फिर सर होशियार बन रहे हो इसका ना? इजी अभी अभी इजी है ना, ये लोग अभी अभी ना। जंबल वर्ड का आंसर क्यों बता ऐसे हम देते बना हैं सकते हैं सर, सब रहेगा सब पता रहेगा। है ये में बता सर सर आप कलर्स के मुझे नाम पता क्या दे रहे हैं सर, मुझे पक्का पता है सर। सर पर्सनल नंबर कौन सा है आपका बता सर देंगे वो, सर बता इसमें देंगे जो वो साउंड रहेगा उसको लिखना है सर आपका क्या पर्सनल नंबर कौन सा है सर क्या आपका लिखना, पर्सनल मिल जाएगा वो, नंबर मिल जाएगा नंबर, मिल जाएगा नंबर, मिल जाएगा। सर इसको कैसे बनाना तो समझा दीजिए ना कैसे बनाना है? जंबल वो लेटर्स दिया हुआ, उसका वर्ड बनाना है, इससे वर्ड बनाना है, इन सभी लेटर्स को यूज करो और देखो कौन सा वर्ड्स है। बट्स को सही करना है हाँ वर्ड्स को रीअरेंज द लेटर्स इन करेक्ट वर्ड। ओके सर आप पर्सनल सर नंबर बता दीजिए मेरे काम उस पे को उम्मीद तो है देख कर ही पता चल गया सर, मेरे को देख कर पता चल गया कि कौन सा किसका होगा सर बस, तो अपने वो मुझे तो पता चल भेजना है गया ना, इसमें रिमार्क्स मिलेगा ना, कौन सही 100 में 100 करेगा, कौन कितना लाएगा। ठीक ये है बाबू टेस्ट है सर 4 नंबर तो बहुत इजी है अच्छा, तुम्हारे लिए तो सब इजी है।
बिकॉज़ सर ने हमारे सर ने क्लास सर टीचर जितना में साल है अगर पहना वाला वाइट किसी टप्पा सर हद से ज्यादा साल है वो हाँ से भी सर ये ज्यादा आसान होमवर्क क्या होता सर सर ये होमवर्क वाइट दे दीजिए टप्पा सर हल्का हार्ड दे दीजिए सर ये लोग को बोलिए ना चुप रहे ना आंसर बोल रहे हैं ऊपर से इतना क्लास डिस्टर्ब हो रहा है तब से पकड़ चुप पकड़ रहो के अब। हाँ क्यों हल्ला नहीं करो कोई, सब लोग साइलेंट रहो, चुपचाप उतारो। सर वैदिक शैतान बहुत हल्ला करते बाबू, सबको म्यूट कर देंगे। शांति जी हाँ करती है से लिखिए चुपचाप। दीदी भी करती है झूठ बोल रही है सर दीदी लिखा भी उतारा नहीं है सो ये होमवर्क है कि क्लास वर्क ये दिख रहा है वो, ये सर ओनली 10 वर्ड्स दीजिए ना नो सर 20 वर्ड्स सर कौन से नंबर पे भेजना था ट्वेंटी नंबर वर्ड बता देंगे बाबू। ओके सर क्लास इतना हार्ड है सर, टीचर से नंबर बता देंगे 9 नंबर के सर बस कितनी है बिल्कुल 20 दे दूँ। नहीं सर यस सर 20 तो नॉर्मल बहुत हार्ड नॉर्मल तो है, नहीं नॉर्मल तो है चलेगा क्या? नहीं फिर नहीं नॉर्मल चलेगा। अरे दे रहे तो 100 दीजिए सर नॉर्मल तो 1000 नॉर्मल तो इन्फिनिटी भी हो सकता सर नॉर्मल बिलियन इन्फिनिटी दीदी ऐसे चलाइए लिख रहे हो आकर्ष बाबू कि यही नाटक कर रहा है जी। ना रिमोट कहाँ है अच्छा ये होमवर्क है बाबू सबको, जैसे हम यहाँ पर एक हिंट देते हैं कि कैसे बनाना है, ठीक है? यहाँ पर हिंट देते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है, ठीक का है? यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, इसको बनाना कैसे है, ये कौन सा वर्ड है हमें भी नहीं समझ में आ रहा, तो इसको सरियाएंगे। LAPENT लेपेंट कुछ होता नहीं है, LANTP कुछ होता नहीं है, PLA लगाओ प्ले, और लगता है ये बन गया प्लेनेट। सर प्लान प्लेनेट प्लेनेट बन गया, प्लेनेट जान रहे हैं क्या होता है। उसी प्रकार कुछ ना कुछ वर्ड्स दिया हुआ है, इस वर्ड वर्ड को है ना सरियाना है और उसको बनाना है कि कौन सा वो वर्ड है। रीअरेंज द जंबल लेटर एंड ये आपका होमवर्क है, आपको ये होमवर्क आपको भेजना है 9798564151, ठीक है? ओके ये सर आपको होमवर्क भेजना है। डन बाबू, यस होमवर्क का सर स्क्रीन, होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले क्लास लीजिएगा सर। नेक्स्ट आपका बाबू, तो ओके ये आपका है ना, तो ये आपका वर्ड्स लेटर्स, ये जो अल्फाबेट है ये आपका खत्म हो गया। आप इसको मारेंगे द एंड, यहाँ पर से अब अल्फाबेट का चैप्टर खत्म और नेक्स्ट न्यू चैप्टर आपका शुरू होगा, वर्ड सेंटेंस, ठीक है?
वर्ड्स से हम चलेंगे, वर्ड्स के बाद सेंटेंस चलेंगे, रीअरेंज द सेंटेंस, जिस प्रकार रीअरेंज द लेटर्स हो रहा है उसी प्रकार रीअरेंज द सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस, उसके बाद जब ये सेंटेंस हो जाएगा तो फिर चलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नॉन प्रोनाउन, ये सब एडजेक्टिव। तो धीरे धीरे अब आपका सिलेबस बढ़ेगा, सो ये आपका फेयर कॉपी डेली बनना चाहिए। आपका जिस प्रकार फेयर बनाकर सर CW का फेयर करके व्हाट्सएप पर भेजना है और होमवर्क पर्सनल नंबर पर सर भेजना है। क्लियर? ऑल वही ओके, गुड यस बाय सर बाबू, दैट्स ऑल। साइड बाय सर अभी जाना नहीं है बाबू सर किसी को। हमारे तो मुझे तो यही रहना है।